हमने ये देखा देश के कोने कोने से हमारे किसान भाई बहन दिल्ली की दहलीज पर आए और बीते एक महीने से ऊपर वो वहाँ आंदोलन कर रहे हैं, अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के मुख्य आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी कई बार वहाँ गए, हमारे तमाम विधायक, हमारे तमाम मंत्री, हमारे पार्षद, सब लोग, सभी कार्यकर्ता वहाँ अपनी सेवा देने गए। सेवादार अरविंद केजरीवाल ने पहले उनके लिए कंबल से लेकर लंगर तक की सेवा दी, शौचालय से लेकर पानी तक की सेवा दी, और अब एक महत्वपूर्ण सेवा सेवादार अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली सिंगू बॉर्डर पे शुरू करने जा रहे हैं, और वो है फ्री वाईफाई की सेवा। वहाँ पर किसानों की ये मांग थी और लगातार हम तक ये मांग आई कि रिसेप्शन बहुत ख़राब है, नेटवर्क की कमी है, लो कनेक्टिविटी रहती है। जो आंदोलनकारी हैं, जो हमारे किसान भाई बहन अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें इंटरनेट एक्सेस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। परेशानी को दूर करने के लिए अपनी एक और सेवा अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ शुरू की है, और वो है वाईफाई पहुँचाने की सेवा। सिग्नल स्ट्रेंथ की कमी होने की वजह से हमारे आंदोलित किसान भाई बहन अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला लिया कि वो अब सिंगू बॉर्डर पे वाईफाई हॉटस्पॉट्स लगवाएंगे। जैसे जैसे किसानों की मांग आएगी, जहां जहां से मांग आएगी, वहां वहां ये हॉटस्पॉट्स लगाए जाएंगे, ताकि अपने बच्चों को शाम के समय लोरी सुनाकर वीडियो कॉल के माध्यम से सुला सकें, अपनी पत्नी से, अपने रिश्तेदारों से बात कर सकें। आज देश का किसान केवल खेत खलियान में हल जोतना नहीं, उसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भाजपा का पर्दाफाश करना भी जानता है, और वो भी इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से होगा। वाईफाई हॉटस्पॉट्स वहाँ लगाए जा रहे हैं, उनका रेडियस 100 मीटर का होगा, यानी कि 360 डिग्री का जो रेडियस होता है वो 100 मीटर का होगा, और यदि उसका एरिया देखें तो लगभग 31,000 स्क्वायर फुट का एक वाईफाई हॉटस्पॉट्स का कनेक्टिविटी का एरिया होगा, पेरिफेरी होगी। उस 31,000 स्क्वायर फीट में एक वाईफाई हॉटस्पॉट अच्छे से इंटरनेट कनेक्टिविटी दे पाएगा।